फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और बस थोड़ी सी परेशान हूँ। आज मैं अपनी परेशानी की वजह आप लोगों को बताती हूँ। तो चलो आगे आप लोगों को बताती क्या दिखाती भी हूँ मेरी परेशानी की वजह। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, काफ़ी दिन से ये परेशानी चल रही है। तो आगे आगे आप लोग देखते रहो मैं क्या परेशान हूँ और क्या मैंने उसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया है, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरी परेशानी की वजह है ये। तो आप लोग बोलोगे ये सब मेरी परेशानी की वजह कैसे है? तो ये मेरी परेशानी की वजह है, ये है साड़ी में लगाने वाली फॉल। और मैं इनसे इतना ज़्यादा परेशान हूँ, इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं इनको कितनी बार संभाल के रखती हूँ। आप देख रहे होंगे मैं ऐसे लाइन में कलर एक साथ सीक्वेंस में लगा के, जैसे ग्रीन के लाइट डार्क शेड, येलो के लाइट डार्क शेड, रेड के, येलो के, ऑरेंज, सभी के मैं ऐसे बना के रखती हूँ। लेकिन कभी कभी मैं भी खुद बिगाड़ देती हूँ। कभी कभी जब ऐसा होता है ना, जल्दबाजी में किसी को चाहिए रहती है, किसी को जल्दबाजी में चाहिए रहती है ना, तो फिर ये नहीं देखते हमें कैसे रखना है। बहुत ज़्यादा जब कस्टमर तैयार खड़े हो, भीड़ हो बहुत ज़्यादा कि मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी वो चाहिए, तब उस टाइम पे नहीं हो पाता। टाइम पे क्या होता ना, ये सब गजबज गजबज हो जाता है, बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। अब मैं इसको लेके इतना ज़्यादा परेशान हूँ, इसको बार बार देखो आप, ग्लास को एक बार इधर करना पड़ता है, एक बार इधर करना पड़ता है, तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी इनको मैं कहाँ ऐसी जगह पर अरेंज करूँ, काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं इसको कहाँ पे ऐसी जगह पे अरेंज करूँ जहाँ पे अच्छे से ये सेट हो जाए। मैं आप लोगों को बैठ के बताती हूँ, मैं इन चीज़ों को लेके ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। मैं कई बार ऐसा सोचती हूँ और मेरा सच बोलूँ तो ना, आधा दिन तो ये सब चीज़ों को अरेंज करने में ही निकल जाता है, उसको जमाना, उसको हटाना। तो मेरा क्या होता ना, मुझे फैला फैला सा, बिखरा बिखरा सा अच्छा नहीं लगता। मुझे थोड़ा सा अरेंज और सेटल्ड रहे ना चीज़ें तो अच्छी लगती है, ताकि टाइम पर चीज़ें मिल भी जाएँ और थोड़ा सा देखने में भी सुंदर लगे। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि क्या करूं ऐसा जिसमें ये ना अच्छे से सेट हो जाए। तो पहले आप लोगों को दिखा दूं, पहले ये ना कुछ, अभी बाद में दिखाऊंगी, वहाँ पे मेरा सामान भी है जो आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। तो मैंने इसके लिए कुछ सोचा है मेरे पास ना, चलो मैं आपको सोचा क्या दिखा भी देती हूँ। थोड़ा सा तो मैंने उसमें काम कर लिया है। काफ़ी टाइम से मेरे पास ना थर्माकोल ऐसे ही वेस्ट पड़ी हुई थी, तो मैं आधा मैंने कर लिया है, तो मुझे याद आया कि चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। ये सब सी चीज़ें सेट रहती थी, तो अभी वहाँ पे मेरा पार्लर का सामान बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैंने वहाँ पे वो रख दिया, तो वहाँ से कस्टमर अपने आप भी ले लेता था। वहाँ से क्या ना, यहाँ से कस्टमर अपने आप नहीं ले पाते, उन लोगों को डर भी लगता है और सही भी बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है और पूरा ग्लास है यहाँ पर, तो टूटने का डर भी लगता है। और फिर ये जगह ऐसी हो गई ना कि मुझे खुद आलस आता है निकालने में, तो कस्टमर तो बेचारे, उनको तो आएगा ही। तो बस मैंने सभी के लिए सुविधा हो जाए, मेरे लिए भी, कस्टमर्स के लिए भी, मैंने कुछ सोचा है, कुछ सॉल्यूशन निकाला है। मेरे पास काफ़ी टाइम से ना थर्माकोल वेस्ट पड़ी हुई थी, मेरे हाथ में फेविकोल चिपका हुआ है, इसको ही छुटा रही हूँ। तो काफ़ी टाइम से ना मेरे पास में ना थर्माकोल पड़ी हुई थी, ऐसे ही वेस्ट पड़ी हुई थी, किसी काम में नहीं आ रही थी। मैंने लाई थी इसलिए कि मैं कुछ ना गणेश जी के या कुछ लेडीज़ का फिगर, कुछ भी ऐसा फिगर वगैरह मैं उस पर ये करूँगी थर्माकोल पर, लेकिन हो नहीं पा रहा टाइम की वजह से। तो मैंने सोचा उसको यूज़ में ले लेते हैं, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने कर लिया है, तो मैंने यहाँ पे ना इसको इस तरह से ऐसे अरेंज किया है, ये है थर्माकोल, अभी मैंने ना सूखने के लिए छोड़ दिया है। तो ये सब मैं कर रही हूँ जब मेरे हस्बैंड सोए हुए हैं, आप लोगों को पता ही होगा चीज़ें जब मैं करती हूँ ना, तब मेरे हस्बैंड या तो घर में नहीं रहे या सोए हुए रहे, नहीं तो वो मुझे डांटते हैं कि पेपर कटर वगैरह यूज़ मत करो, हाथ में लग जाएगी, या अकेले मत करो कुछ, तुम उल्टा सीधा कर लोगी या फिर तुम्हारे लग जाएगी, तो इसीलिए वो मुझे डांटते हैं। तो मैं अभी वो सोए हुए, लेकिन मुझे क्या करूँ, कीड़ा है ना मेरे दिमाग में, जो मेरे दिमाग का कीड़ा है ना, वो मुझे अकेले में ही काटता है। अभी ज़्यादा काम तभी करता है जब मैं अकेले रहती हूँ, तो उनके साथ तो बस उन्हीं के बारे में ही सोचती हूँ, बाकी अकेले में मेरा दिमाग मेरे काम की तरफ भी दौड़ता है। तो अभी मैंने सोचा इसको बना लेती हूँ, इसको बनाने में भी बड़ी दिक्कत आ रही है। इसको ना फेविकोल से चिपका रही हूँ, लेकिन ये चिपक नहीं रहा, तो मैंने अभी सेलो टेप भी लगा दिए, हो सकता है मैं अब कामयाब हो जाऊँ, क्योंकि ऐसे ही मैं कोई चीज़ का पीछा नहीं छोड़ती हूँ। अगर मैंने ठान ली, सोच ली, तो फिर मैं उसमें कामयाबी लेके छोड़ती हूँ, भगवान से बोलती हूँ भगवान ये मुझे दे दो, मुझे चाहिए, तो बस ऐसा ही होता है। तो भगवान भी सुन लेते हैं, भगवान तरस खा जाते हैं, बोलते हैं बड़ी ज़िद्दी है, देना ही पड़ेगा। तो मैं इसको कर लेती हूँ, इसको करने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है।
अच्छा, आप लोग सोच रहे हो कि मैं आप लोग ये जो आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो ये मैंने बराबर मिडिल में क्यों नहीं रखा है सेंटर वाला पार्ट इसका? तो इसका भी एक रीज़न है, मैंने सभी कुछ मार्किंग करने के बाद ही करा है। तो इसका रीज़न क्या है वो मैं आप लोगों को ये बनने के बाद जब सेट हो जाएगा ना तब दिखाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं टाइम को वेस्ट नहीं करती, इसको बना लेती हूँ। अगर मेरे दिमाग में किसी चीज़ की सनक चढ़ गई ना तो फिर मैं उसके पीछे ऐसे पागलों जैसे लग जाती हूँ, चाहे वो कुछ भी काम हो कुछ भी, और खासकर डेकोरेशन का कुछ भी रहे ना तो मैं एकदम पागल हो जाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ये सनक है एक दिमाग में कि अगर दीवारों को सजाना हो, कुछ पेंटिंग करनी हो, कुछ भी कुछ नया सा ट्राई करना हो ना, तो फिर मैं अपना खाना पीना सब भूल के बस उसी के पीछे लग जाती हूँ। तो मुझे रहता है कि उसको पूरा करके ही उसके बाद ही मैं पूरा दम लूँगी। तो मैं पूरा 100% देती हूँ अपनी हर चीज़ों में, ज़्यादातर मेरी ये आदत बन चुकी है। तो बस ऐसा ही कुछ इसके साथ हुआ, और ये मुझे बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया क्योंकि आप लोगों को पता फेस्टिवल सीज़न चल रहे हैं, तो ऐसे में ही सामान सेल आउट होता है। और अगर हमारे पास सामान होते हुए भी नहीं मिल रहा है या हम कस्टमर को ऐसे भेज रहे हैं तो बुरा लगता है, बहुत ख़राब लगता है, हमें भी और कस्टमर को भी लगता होगा। तो मैं नहीं चाहती किसी को बुरा लगे, मुझे भी बुरा ना लगे और कस्टमर को भी बुरा ना लगे। मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे यहाँ से हर कोई खुश होके जाए, भले किसी को सामान मिले ना मिले, लेकिन किसी को ऐसा ना लगे कि मेरे पास सामान होते हुए भी मैं मना कर रही हूँ। फाइनली हमारी फॉल रखने की अलमारी बनके हो गई है तैयार। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। अब चाहे तो मैं इसको डेकोरेट भी कर सकती हूँ, पर क्यों करना, वो इसलिए क्योंकि इसमें फॉल लग जाएंगी तो उसके बाद ये दिखेगी नहीं। अब चाहे तो हम इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं, कोशिश करती हूँ हो जाए। तो आप लोग भी सोचोगे ना कि मैं एक फॉल रखने के लिए इतना झमेला क्यों कर रही हूँ, क्यों नहीं एक रैक ले लेती हूँ। तो मैं आप लोगों को बताऊँ, ये सब चीज़ें करना ना मेरा शौक है, और मेरे घर में रैक, इतनी सारी रैक है, बहुत सारी रैक हैं, लेकिन स्पेस की कमी है, हर जगह तो रैक हम सेट नहीं कर सकते। और दूसरा, चीज़ें अगर हमारे पास पड़ी हों, अगर हम कोई भी चीज़ को यूज़ में ले सकते हैं तो उससे ज़्यादा बड़ी बात क्या है। अगर मेरे पास बहुत सारी थर्माकोल पड़ी हुई है तो वो किसी अच्छी चीज़ के काम में आ जाए, तो बस और क्या ही चाहिए। और मुझे ये सब चीज़ें करना ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मेरे पास ना टाइम की कमी रहती है इसलिए मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाती, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शौक है अपने घर को सजाने का, अपने घर में अपने तरीके से हर चीज़ को सेट करने का। और मैं कभी ना कभी, भगवान ने चाही ना, तो मुझे लगता है कि कभी मेरा खुद का जब घर होगा ना तो मैं उसमें हर चीज़ अपने हिसाब से अपने तरीके से सेट करूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं खुद की बनाई हुई पेंटिंग या फिर दीवारों को खुद अपने हिसाब से डेकोरेट करूँगी, तो ये मेरा एक बहुत बड़ा शौक है। अगर भगवान ने चाही तो मैं इसको ज़रूर पूरा करूँगी। मैंने इसमें ना लास्ट में अगरबत्ती की जली हुई डंडियाँ फंसा दी, उससे क्या ये रुक गया, तो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा हो गया उसके बाद तो। और आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग भी चाहो तो थर्माकोल से ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हो, जैसे कि आप छोटा सा प्यारा सा मंदिर बना सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें मत रखो, लेकिन डेकोरेट करने की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप बना सकते हो। और थर्माकोल कॉस्टली भी नहीं आती है, ऐसे भी आप लोगों को कहीं ना कहीं किसी सामान में मिल ही जाती होगी, जब आप कुछ मंगाते होगे तो उसमें मिल जाती होगी। तो मेरे पास तो इसी तरह की थर्माकोल थी, कुछ ना कुछ मेरे घर में जैसे सामान आया तो उसी के साथ की थी। तो फाइनली हमारी अलमारी हो गई है बनके बिल्कुल तैयार, बस अब इसको लगाते हैं। लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ, अभी तो ये ऐसे बहुत ख़राब लग रही होगी, लेकिन लगाने के बाद मैं आपको इसको दिखाती हूँ। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने ये सेंटर में क्यों नहीं करा था। अगर मैं इसको सेंटर में कर रही थी ना तो टोटल 4 रो बन रही थी, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा साइड में कर दिया तो अब 5 रो बन रही है। तो मुझे स्पेस से मतलब है, मुझे सेंटर से मतलब नहीं है, क्योंकि फॉल भरने के बाद तो कहाँ इसका सेंटर है, कुछ इतना ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देगा। सिर्फ टोटल 5 रो बन जाएंगी तो उसमें मेरी फॉल्स ज़्यादा आ जाएंगी, 4 रो में फॉल्स कम आती, तो इसलिए मैंने इसको सेंटर में नहीं रखा। तो कैसी लग रही है आपको मेरी अलमारी, देखो अब लग रही है ना बिल्कुल अच्छी। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, ये देखो अब क्या है ना, खरीदने वाले को भी दिक्कत नहीं होगी और बेचने वाले को भी दिक्कत नहीं होगी। अब हर कलर बिल्कुल आसानी से आराम से दिख रहे हैं। तो मैंने ऐसे करके लगाए कि लाइट शेड भी लगाए हैं, कहीं कहीं उसमें थोड़ा सा उसी के कंट्रास्ट में डार्क शेड लगा दिए, वो इसलिए क्योंकि लाइट और डार्क एक साथ मिक्स नहीं करूंगी ना, पूरे लाइट लाइट लगा दूंगी, थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पे ये सब एक एक शेड अब आराम से पूरा दिख रहा है ऊपर से नीचे तक। ये देखो यहाँ पे मैंने ऐसे जैसे पीच कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर ऐसे लगा दिए, और ये फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ग्रीन के शेड लगा दिए। तो थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एडजस्ट करने वाला काम करा क्योंकि स्पेस बस इतना ही था, बहुत ज़्यादा बड़ा मैं बना नहीं सकती थी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है थर्माकोल, थर्माकोल है ना फ्लेक्सिबल थोड़ी ज़्यादा रहती है। अब मैं बहुत ज़्यादा बड़ा बनाऊंगी ना तो एक तो रखने के लिए मेरे टेबल का स्पेस अलग हो जाएगा,
इसके लिए फिर मुझे अलग से एक जगह लेनी पड़ेगी। और दूसरा फिर क्या होगा ना कि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इसको मुझे उतारना पड़ेगा, और मुझे इसको भी यहीं पे रखना है क्योंकि चला हो गया है। अब यहाँ जो फैला हुआ ये सब फैला हुआ इसको थोड़ा संभाल देती हूँ। यहाँ रखने से अब यहाँ पे जगह मिल गई है मुझे, काफ़ी सारा स्पेस मिल गया है यहाँ पे। मैं ना कुछ फेशियल किट्स वगैरह और कुछ भी हैं वो सब चीज़ें रख लूँगी, तो स्पेस बहुत हो गया यहाँ पे। बहुत ज़्यादा इसको बड़ा करने से टूट जाता, बहुत नाजुक सा है ये, पर अच्छा लग रहा है एकदम। लग रहा है ना जैसे मैंने कहीं से कोई रैक खरीद लिया और उसमें कर दिया, लेकिन थर्माकोल ने इतना काम कर दिया मेरा। मैंने इनको ना काफ़ी टाइम पहले बोला था कि लकड़ी का बना दो, ऐसा लकड़ी बड़ी रखी हुई है, और लेकिन ये मतलब ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा आलसी है, ये नहीं सुनते जल्दी से, तो फिर मैं ही लास्ट में कुछ जुगाड़ करके ऐसा कुछ कर देती हूँ। तो लकड़ी का तो मेरे से नहीं हो पाता, पर मैंने ये वाला कर दिया। वाला सारा सामान मैंने यहाँ सेट कर दिया। ये वाले मैंने इसलिए यहाँ करे क्योंकि यहाँ पे जो रहते हैं ना ये वायर वगैरह इसमें सेट रहेंगे और कट भी नहीं लगेगा कोई वायर में। यहाँ पे रहते थे ना तो यहाँ पे इतना वायर इलझता था, आते जाते पैरों में लग जाता था, या फिर ऐसा होता था कि गिर गिर के यहाँ से जल्दी जल्दी वायर खराब हो गया एक दो बार, तो इसलिए फिर मैंने अब वहाँ सेट कर दिया। कभी कभी यूज में आने वाला सामान सेट रहेगा। डेली का कॉमन सामान जो है वैक्स वगैरह और फिर छोटी मोटी किट है फेशियल की, जो क्लीनअप वगैरह है वो सब यहाँ पे सेट कर दिया। और थ्रेड्स भी लोग नीचे बैठ के यहाँ आराम से देख सकते हैं। सबसे अच्छा ये वाला हो गया, एकदम नीट एंड क्लीन हो गया बिल्कुल। यहाँ से स्पेस भी अच्छा हो गया। अब रह जाता ये वाला पर सारा, इसको करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये करवा चौथ वाली साड़ी है जो कि मैंने अभी धोई नहीं है, इसको फुर्सत से धोऊंगी आराम से। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि सुबह से काफ़ी टाइम हो गया, अभी टाइम मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हो रहा है 1:15, सुबह से मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि कब से मैं लगी हुई थी, और अभी इनके उठने का भी टाइम हो रहा है, ये सो के उठ जाएंगे, अभी नाइट शिफ्ट है। तो बस अब मैं जा रही हूँ, ना मैं नहाई हूँ, सब मुझे कोई चीज़ की लग जाती है ना कि मुझे ये करना है तो फिर बस मुझे करना है। अभी मैं जाती हूँ, पहले इसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी से इसको कर लेती हूँ। इसको करने के बाद मैं नहाने जाती हूँ और कल फिर मेरा फास्ट है। आप लोगों में से कौन को ना हो ये अष्टमी का फास्ट रखता है। करने के बाद मैं जा रही हूँ अभी नहाने के लिए, और नहाने के बाद मैं बनाऊँगी रोटी। आज मैंने रोटी भी नहीं बनाई और भूख लगी है बहुत तेज। फ्रेंड्स बस वीडियो को करती हूँ एंड, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और वीडियो अब आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।